यहाँ से तो मॉडलिंग का करियर स्टार्ट होता है और मॉडलिंग के करियर में ये लोग मेहनत करें, आगे बढ़ें, अच्छे शोज़ करें, अच्छे शूट्स करें, कुछ अच्छी एल्बम्स करें, एड्स करें, टीवीसी करें और मुझे खुशी ये होगी अगर ये बॉलीवुड तक भी पहुँचें। कोरोना और कुंभ को हमने मिक्स मैच किया था कि कुंभ में जो इतनी भीड़ आई हुई है उसमें हम लोग कोरोना को मिक्स मैच करें कि लोग अपना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ हमारे शो पे भी आए और कुंभ में भी आए। राज के हमारे विनर रहे, मिस कैटेगरी में रही है पारुल सिंह, मिसेस कैटेगरी में रही है नेहा गौर एंड मिस्टर कैटेगरी में रही है मनीष पांडे जो हरिद्वार से बिलोंग करते हैं। हम हर कंटेस्टेंट को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहेंगे उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए और हमारी टीम ने पूरी कोशिश करी है बच्चों को अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए, नीट एंड क्लीन प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पर वो अपने सपने पूरे कर सके और अपने फैमिली को प्राउड फील करा सके। तो फैशन का मतलब सिर्फ ग्लैमर नहीं होता, फैशन का मतलब होता है हाउ डेली लाइफ में हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे ड्यूटी पे जाते हैं। आप लोग भी फैशन करते हो, आपको पता है बीइंग सोशल नेटवर्किंग साइट से आप भी स्मार्ट ड्रेसअप करते हो, ये भी एक फैशन है। फैशन का मतलब है अपने आप को रिप्रेजेंट करना समाज के लिए और लोगों के लिए। अपॉर्चुनिटी को अचीव करके मैं और बहुत आगे तक जाऊंगा, मॉडलिंग के टॉप मॉडल्स में अपना नाम ला के दिखाऊंगा और मैं कॉन्फिडेंट हूं कि मैं एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं अपना नाम टॉप मॉडल्स में अपना नाम लिखवाऊंगा। जी हां, मैं बिल्कुल चाहूंगा कि इस तरह के और मंच और मेरी तरह हर बच्चा ये चाहे कि मैं बड़ा होकर कुछ अच्छा बनूँ, कुछ बड़ा बनूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि हरिद्वार में भी यहाँ पर और शो होने चाहिए और शूट्स होने चाहिए जिससे कि हर बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद ही ये प्लेटफॉर्म अचीव हो पाता है और मैं चाहूँगी कि जैसे आज मैं यहाँ खड़ी हूँ कल कोई और लड़की हो जो यहाँ पे खड़ी हो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि हर इंसान को मौका मिलना चाहिए क्योंकि हर एक इंसान एक जैसा ही होता, कोई अलग नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ सबको मौका मिलना चाहिए।